नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले सियासत तेज है, क्योंकि जुबानी हमला तेज हो गया है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की जनसंख्या वो बढ़ रही है। इस पर सियासत तेज है। जब मुकेश सहनी को इसको लेकर पूछा गया, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को, तो उन्होंने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के नेता और पीएम मोदी हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाएं। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। फिर वही हिंदू हिंदू मुसलमान। अब बताइए, इस देश में चुनाव हो रहा ना भाई, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? हिंदू मुसलमान ये सब 365 दिन है, कीजिएगा ना, सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम में चुनावी मुद्दा होना चाहिए ना, कि जो सरकार ने जो वादा किया वो हुआ कि नहीं हुआ। अब हिंदू मुसलमान कौन क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, सनातन, ये सब चीज़ पे क्यों डिस्कशन लेना? और 10 साल से मोदी जी हैं, तो इसको जो भी करना है उनको करना चाहिए ना। उनको अब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, क्या बोले? हिंदुओं की घट रही है और मुस्लिम संख्या बढ़ रही है, तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए। घट रहा है तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए, और जो लोग बोल रहा है घट रहा है उनको बोलिए बढ़ाने के लिए। हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमको हम दो हैं, हमारे दो होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। अब बाकी जिनको बढ़ाना है उनको थोड़े कोई रोका है? अभी उनके में अगर लिखा है कि भाई हिंदू एक्ट में भाई एक शादी ही होगा, दूसरा शादी नहीं हो सकता जब तक डिवोर्स नहीं होगा, तो ये भारत सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस सच पे अगर कंट्रोल बढ़ाना है तो इस पे मोदी जी या भारत सरकार सोचे क्या करना है। इस पे विपक्ष से क्यों सवाल कर रहा है, जनता के बीच में क्यों बात कर रहे हैं? विपक्ष चिंता मानती है कि नहीं मुकेश जी, इस विषय पे क्या चिंता मानना है? कम हुआ संख्या, नहीं नहीं, इस पे हमको क्या चिंता मानने की जरूरत है? हमको इतना मालूम है जितना छोटा परिवार होता होगा उतना सुखी होगा, जितना बड़ा परिवार होगा उतना परेशानी होगा, महंगाई है, परेशानी है, उनके लिए हर चीज़ का व्यवस्था देना है। हम देखिए, हम खाली बच्चे को जन्म देकर उसको छोड़ने के लिए नहीं आए ना, हमारे बच्चे से बहुत लगाव होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचा स्थान पर जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से केयर करना पड़ेगा। अब जहाँ मान लीजिए कि जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएगा तो आप नहीं ना केयर कर सकते हैं, तो बाकी हम किसी को रोक नहीं रहे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो जिनको बढ़ाना है तो बढ़ाए, और हमको हम मानते हैं कि हम दो हमारे दो, इसमें हम सुखी रहेंगे, जिनको बढ़ाना वो बढ़ाए। और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए कि देश में रोजगारी कहाँ है, लोग किसान आत्महत्या कर रहा है, उनका आय कैसे दुगुनी होगा। मोदी जी बोले कि हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, वो कब बना के देंगे? तो ये सारे चीज़ें को बोलना, अभी भारत सरकार के तरफ से 1 करोड़ का भी घर नहीं बना, 1 करोड़, और वो लोग दावा ठोक रहे हैं 4 करोड़ घर बनाए, बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विरासत करेंगे। अरे ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ढोंग है। विकास और विरासत जो आप बोल रहे हैं ये सब ढोंग है। ढोंग ढोंग करना बंद कीजिए और जनता के बीच में आइए। मैं देश के पढ़े लिखे नागरिक से, हर जाति धर्म से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आपके पास सोचने समझने का विवेक बुद्धि है, ये देश आपका है, ये देश आपका रहेगा, या आप मालिक हैं, आपके पास वोट गिराने का अधिकार है, आप सही से सोच समझ कर वोट गिराइए, वन साइड नहीं कीजिए। अरे भाई, इस पे एक जनता या मुकेश सहनी क्या करेगा? भारत सरकार है ना, उस पर मंथन करे, उनको जो सही लगे वो करे, और उसके पर अगर समर्थन की बात आएगा तो फिर हम लोग से बात करेंगे, फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा उस समय बात करेंगे। अभी तो भारत सरकार को निर्णय लेना, और हम तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी उनके मंत्री सब मिलकर बढ़ाए, जनसंख्या बढ़ाए। सुना आपने मुकेश सहनी को किस तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और साथ ही जनसंख्या पर उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। इस पर तेजस्वी यादव से भी पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें पीएम के मुंह से सुनना ये बहुत बुरी बात है और ये शर्म की बात है पूरे देश के लिए, और पीएम को मुद्दों की बात करनी चाहिए, नौकरी की बात करनी चाहिए, इस तरह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। पर पीएम के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। अच्छा, वाह, सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में 24 आ गया, बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या?
चुनाव के समय विशेष किया जाए कुछ? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है ये अमित शाह ने। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए, देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। तो इस पे तो बात नहीं कर सकते क्योंकि सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव लगातार अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और अकेले ही पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से लोहा ले रहे हैं। अकेले तीन तीन जनसभाएं कर रहे हैं जिसमें कि उनकी तबीयत खराब है। इसके बावजूद उनके कमर में परेशानी है। आपने देखा था कि मुंगेर में जब सभा हुई थी तो तेजस्वी वहां नहीं पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त तो हेलीकॉप्टर भी खराब था उनका, जो जिस हेलीकॉप्टर से जाना था वो दिल्ली में था सर्विसिंग के लिए, दूसरा हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका, तो उन्होंने मुकेश सहनी को बाय रोड भेजा था। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव इस दर्द के बावजूद भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं जनसंख्या के मुद्दे पर चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने चिंता जताया है। भाई ये अगर ऐसा है भी तो चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरह बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने कहा कि ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर काम करना चाहिए। और ये जो है आज सियासत जिस चीज पर गर्म है वो यही है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। पीएम मोदी के बयान के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। मौसम ठंडा है लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।